देखो मेरा स्टाइलिश। तो मिष्टी यहाँ पे तैयार हो गई है। आज मिष्टी का स्कूल में क्या है? गोवा पार्टी। गोवा पार्टी। तुम एक जगह खड़े रहोगे तभी तो मैं तुमको दिखाऊंगी। तुम दिख रही हो मुझे, देखो ये देखो लड़की को स्कूल में। रुको, हाँ अभी दिख रही है अच्छे से। एक बार पीछे घूमो, अपने बाल दिखाओ। रुको, ऐसे हिलो मत। ये देखो मैडम का हेयर स्टाइल। आई लैश कैसे नहीं बोलते उसको, आई शेडो लगाते हैं। रुको दिखाओ, मेरा शक्ल देखो। इसको तैयार करने में, आज मिस्टी के स्कूल में फादर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। फादर्स डे कब का बीत गया लेकिन अभी हो रहा है, तो इसके लिए मिस्टी तैयार हो चुकी है। तो फ्लोरल प्रिंट था, मुझे यही मिला है। दिखाओ भैया, कोई स्टाइलिश शूज पहना होगा। अरे ये स्टाइलिश शूज है, देख रहे हो अभी से इन बच्चों के नखरे। स्टाइलिश शूज ही है, पहन के जाओ, मैच कर रहा है तुम्हारे ड्रेस से। तो मुकुल तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ये दोनों निकलेंगे और फिर मैं अकेले घर में पार्टी करूंगी। मुझे देखिए जरा, मुंह का खाना खत्म करो। देखो लड़की को खाना खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे देखिए। चलो पहले इनको भेजते हैं फिर मिलते हैं। ये रहे मिस्टर कूल और ये है तो, ओ तेरी खतरनाक। कौन? दोनों, तुम और पापा। नहीं पापा, तो पापा तो थोड़ी नॉर्मल है। पापा नॉर्मल है और तुम कूल हो। पापा टकलू हो गए बेचारे। चलो बैग लो अपना। ओके बैग लो और मुंह का खाना खत्म करो। और मैंने शर्ट डाल के रखा है, हीरोइन मत बनना, पार्टी के बाद पहन के शर्ट घर आना। चलो नहीं बेटा सुनो ना, उसमें ना स्टाइल देख रहे लड़की का। ये लो पापा बैग लेके जाओ मिष्टी का। कोई भी पहन लो, चप्पल ही पहन लो। हाँ हाँ यही पहन लो। हाँ ठीक है। अरे पापा लेके जा रहे ना बैग, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम जाओ ना। अपने एक बार आईज दिखाओ, क्लोज करो। देखो देखो इस लड़की को देखो, मुंह का खाना खत्म नहीं हुआ है, स्टाइल से फुर्सत ही नहीं है। हो गया। तो ये लोग जा चुके हैं और क्या, मुझे बहुत सारे काम है आज। मैंने बेडशीट वगैरह धोने डाला तो जा रही हूँ, सारे बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। और आज है सैटरडे तो मैं बनाऊंगी खिचड़ी और बैंगन का चोखा, तो मैं खाना बना लूंगी। लेकिन इन सब के पहले मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि अब मिस्टी ना इतना परेशान हो रही है ना, ऐसे ही एक्साइटेड होती है। कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो चलो फटाफट उसके आने के पहले काम खत्म करते हैं। और आज मुझे जाना है अपनी एक फ्रेंड से मिलने, और भी मुझे कहीं कहीं जाना है तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी। ऐसे बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे नॉर्मल घर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्या करूँ यार, मेहनत तो बहुत कर रही हूँ लेकिन पता नहीं देखते कब आता है रिजल्ट। बट मैं क्या बोलते हैं, कर्म करते जाऊंगी फल की चिंता किए बिना। तो चलो फटाफट पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर कुछ करते हैं, क्योंकि चाय अब बहुत ज़रूरी है। और टमाटर यार कितने महंगे हो रहे हैं, मैंने जेप्टो से मंगवाया 130 रुपीज़ केजी। पहले मैंने सोचा कि बिना टमाटर के खाएंगे कुछ दिन, लेकिन नहीं जमता मेरे को, टमाटर प्याज चाहिए होता है। तो फिर ठीक है, वही मैं देख रही थी बार बार इधर टमाटर को कि मतलब ऐसा क्या है इसमें, 15-20-30 रुपीज़ किलो बिकने वाली चीज़ का दाम अभी 130 रुपीज़। और पता है वो भी ऐसे अच्छे टमाटर मिल भी नहीं रहे, सड़े मिल रहे। मैं कल गई थी दुकान पे सब्जियां लेने, तो 140 का उन्होंने बोला, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं लूंगी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी बैंगन का भरता बनाओ, खिचड़ी बनाओ तो तुम्हें चाहिए ही, तो फिर मंगवाया मैंने। और उससे सस्ते और अच्छे टमाटर दिए हैं ऐसे जेप्टो से, ऑनलाइन मंगवाया उससे ले रही थी 140 और ये 130 में दिया इसने, और अच्छे भी हैं। तो चलो अब ज़्यादा बकबक नहीं करते, फटाफट चाय पीते हैं। सुबह से काम करते करते ना दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और मैं जाने वाली थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसे कुछ काम आ गया तो वो नहीं जा रही। और मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी पार्लर, लेकिन काम ही नहीं खत्म हो रहा यार आज। ये देखो इधर बालकनी, हमने वो पूरा क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक की जो शीट आती है ना बारिश के लिए, वो लगाया, क्योंकि इतनी बारिश शुरू हो गई है ना, आपके कपड़े सूखते ही नहीं हैं।
तो ये मेरी जो बालकनी है ना, वैसे भी ये बालकनी वैसा कुछ व्यू वाली बालकनी है नहीं, यूटिलिटी के तरह। तो हमने सोचा ना कि इसका एक कॉर्नर ऐसे पूरा पैक कर देते हैं, तो फिर आराम से स्टैंड यहाँ पे लगा रहेगा, नहीं तो बारिश आती है तो कपड़े अंदर करो फिर वो स्मेल आ जाती है। तो ये करने में रह गए मैं मुकुल के साथ, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। पहले नहा के आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। सारा शेड्यूल जो प्लान किया था ना वो गड़बड़ हो गया। जो जगा हुआ रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो जगह कितना बकवास तुम अभी बात कर रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही थी। आवारा। एक बार करके दिखाओ ना फिर से। नहीं करूंगी बात तुमसे कभी 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 नहीं। आज है संडे और कल मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बारिश शुरू हो गई और हम लोग कहीं गए नहीं, ना अपने फ्रेंड से मिलने, ना कुछ ऐसा स्पेशल हुआ, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पापा तो अभी मैं जा रही हूँ, आज हम लोग फिर मम्मा का ड्रेस चेंज कर दे। बोलूं सुन ही लिया होगा आप लोगों ने बैकग्राउंड में। एक्चुअली आज रुक जाओ, आज क्लीनिंग करने में थे बिजी हम लोग सुबह से, तो क्लीनिंग वगैरह करते करते दोपहर हो गई है, खाना कुछ बना नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर कहीं कुछ खाएंगे। और उसके बाद मैं एक ड्रेस लेके आई थी जो कि आज मुझे दिख रहा है कि फटा हुआ था, तो मैं उसको चेंज करूंगी। उसके बाद भी शाम में भी कुछ काम है, वो आप ब्लॉग में बने रहो तो आपको पता चलेगा। चलो चलो खाते, चलो तो जा रहे हैं खाने। मिष्टी को बहुत भूख लग गई है ना। हाँ बहुत भूख लग गई है मिष्टी को, तो चलो पहले चलते हैं खाना खाने। हम लोग आगे खाने के लिए, क्या नाम है इसका, आयशरी कैफे, इसर जी कैफे। तो नॉर्थ इंडियन खाना बहुत मस्त मिलता है यहाँ पे, आके खाओ। तो ये आ गए छोले भटूरे, मस्त वाले, बहुत टेस्टी होते हैं यार इनके छोले भटूरे। और मिष्टी ने ना अपने लिए पानी पूरी मंगवाया था, ये देखो मिष्टी पानी पूरी खा रही है। देखो मम्मा को अच्छा लगा। खाना पीना डन, और जाना जरूर अगर इधर बैनरगट्टा के आसपास रहते हो तो, वहाँ खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्या नाम था, इसर जी कैफे। मैं डाल दूंगी लोकेशन, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो खाना पीना हमारा हो गया, छोले भटूरे, मिश्री ने पानी पूरी खाई और फिर हमने लस्सी पी लिया। तो मुझे तो मस्त नींद आ रही है, लेकिन पहले जा रहे हैं जो कपड़े फटे हुए लेके आई थी उसको चेंज करने के लिए, तो वो चेंज करके आती हूँ। बंद करो ना इसका, हाँ वो चेंज करके आती हूँ। और मिष्टी और मुकुल लड़ाई कर रहे हैं। मिष्टी देखो इधर एक बार, नहीं देखूंगी, नहीं देखेगी। चलो ना बत, अच्छा है, शांति रहेगा, मजा आएगा। शांति रहेगा तो क्या, क्या तो मजा आएगा, बात मजा आएगा तो देखना। क्या मिष्टी मिष्टी करना, चलो घूमते हैं। मैं बोलूंगा ही नहीं मिष्टी मिष्टी चलो घूमते हैं, मैं मस्त आराम से खेले। हाँ तब देखना तुम। क्या देखूंगा मैं, तो अकेले निकल जाऊंगा घूमने। कितना मजा आ रहा है, रोज करना तू। हाँ किसी का आवाज नहीं आ रहा, मुझे मजा आ रहा है। मत चिढ़ाओ इसको। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 10 मिनट से लोग ऐसे ही रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी, चीज खाते जो नाना जी खाते हैं। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, इतना गुस्सा हो। अच्छा सॉरी, अब नहीं पापा सॉरी बोल दिया ना, चलो अब नहीं, अब बोला मजाक नहीं कर, अब मैं मिष्टी मिष्टी बोलूंगा। मिष्टी मिष्टी चलो शॉपिंग करते हैं, मिष्टी मिष्टी चलो शॉपिंग करने, मिष्टी चलो समोसा खाते हैं, इतना छोले भटूरे खा, चलो समोसा को छोले भटूरे खा के अब समोसा खाते हैं। मिष्टी कल क्या चलो पहले शॉपिंग करते हैं, लोग लड़ाई कंटिन्यू करने देते हैं। मिष्टी मिष्टी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ना हम लोग ऐसे ही आ गए थे। एक्चुअली कुछ ऐसी बातें होने लगी नॉर्मल, मुझे किसी की याद आ गई जो कि अब नहीं है हमारे बीच, तो बस मैं थोड़ी नहीं एक्चुअली इमोशनल हो गई। तो मुकुल बोले चलो इधर उधर घूम के आते हैं, तो बस उस बीच ना मैंने 2-3 घंटे फिर मैं चुप ही हो गई, मैंने कुछ
ब्लॉग ही नहीं किया, बस ऐसे ही मुकुल मुझे फ्रेश करने के लिए इधर उधर घुमाते रह गए। हम लोग कहीं जा नहीं रहे, हम लोग आए चाय पीने के लिए। और कहाँ आए? कनकपुरा रोड। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग जाते होंगे बड़े बड़े ट्रिप पे, शिमला मनाली और मुन्नार और पता नहीं कहाँ कहाँ। हम लोग तो चाय पीने जाते हैं, चाय पीने वालों में से हम लोग। तो वैसे मैं बहुत डायलॉग बाजी हो गई, अभी मैं आई हूँ कनकपुरा रोड में एक कैफे को। OMG, तो इधर हम लोग आ गए चाय पीने के लिए। चलते हैं चाय वाय पीते हैं। ये एक्चुअली मैं बताऊँ, कनकपुरा रोड में जो बैंगलोर में होंगे और श्री श्री रविशंकर जी का जो आश्रम है वहाँ आते होंगे ना, तो उनको पता होगा ये उसके ही पास में है, उससे थोड़ा पहले है। इसी रोड में आप थोड़ा और आगे जाओगे ना, थोड़ा और नहीं, वो जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला गेट, तो ये श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम का गेट है। तो हम लोग आते हैं वीकेंड पे इधर हमेशा। यहाँ देखो मैडम सेवा ले रही हैं। तो चलो चाय पीते पहले। तो पानी पी लो थोड़ा सा। मिष्टी की पलटा नहीं है सारी। मिष्टी मिष्टी डोंट गो एनीवेयर, ओके, प्ले हियर ओनली। घर आने के बाद का हाल देखो यहाँ। ये मिष्टी का फ्रेंड प्रणव। And what is your name? Aradhya 1 and Aradhya 2. And here is Parnika. Yes, she is Parnika. And I am Vishnu. Doom, 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 doom. I am a real Vishnu. I am a real Vishnu. Everybody wash hands. No need to wash hand. Oh, ho gaya. Ab ek ek karke sab hand wash karenge yahan pe. तो हम लोग आगे ना गए तो थे लंच करने, बट वही थोड़ी बहुत आगे और ट्रैफिक रहती है यार, पता ही होगा बैंगलोर का ट्रैफिक। तो पहले हम लोग गए खाना वाना खा के, फिर उधर से चेंज करके, वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये एक मैंने जस्ट ऐसे ही एक दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये जस्ट मैं एक ऐसे ही ड्रेस लेके आई थी, नॉर्मल सा टी शर्ट ड्रेस जो होता है ना वो लेके आई थी, तो लेकिन वो डैमेज था तो उसको एक्सचेंज करने गई थी। एक्सचेंज करने के बाद फिर हमारा चाय पीने का मन होने लगा, तो चाय पीने के लिए हम लोग चले गए कनकपुरा रोड, श्री श्री रविशंकर जी का जो आश्रम है ना वहाँ पे उसके पास। तो कुछ नहीं, चाय वे पी के भी आए घर। अभी एक मैंने एक फर्नीचर ऑर्डर किया, वो थोड़ी देर में आने वाला है। मैट्रेस आपने देखा ना, एक्चुअली मैंने एक बेड ऑर्डर किया। मैं कभी भी मैंने ना दूसरा बेडरूम नहीं दिखाया क्योंकि वो ऑफिस बन के ही रहता है हमेशा, मतलब काम करते हैं। बट अभी हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, मतलब गेस्ट नहीं बोलूँगी मैं, बता ही देती हूँ कौन आने वाले हैं। मेरे इन लॉज आने वाले हैं, तो बेड लेना ज़रूरी ही था। तो फिर हमने एक बेड लिया है जो कि अभी आने वाला है, तो वो सेट करेंगे। और पीछे आप बैकग्राउंड सुन रहे हो ना, आते ही सारे बच्चे आए, इतना चिल्लम चिल्ली करने वाले हैं। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर आपसे। तो यहाँ पे बेड आ चुका है, ये भैया लोग सेट कर रहे हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कैसे क्लीन करती हूँ, क्या करती हूँ, पहले सेट करने देती हूँ अच्छे से। तो वो लोग लगा के गए थे किसी और डायरेक्शन में, बाद में पता चला कि उस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, तो फिर हमने डायरेक्शन चेंज किया। तो अभी ये देख ही रहे हो आप कितना फैला हुआ है, मंदिर भी हमारा उस तरफ था तो हमने इधर किया, चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई है और उसका ना स्मेल बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं उस पर बेड वेड डालूंगी नहीं, ये मैट्रेस में इधर ही रहने दूंगी रात भर, देखती हूँ फिर। तो बेड आ गया है और ना और क्या ही बताऊँ, जस्ट वो नया पेंट रहता है ना तो उसकी स्मेल बहुत तेज है अभी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी ना कि बेड का बॉक्स जो है वो खोल दूंगी और रात भर फैन चला के
छोड़ दूंगी तो स्मेल चला जाएगा, क्योंकि मिष्टी है आती रहेगी रूम में, तो वो स्मेल उसके लिए शायद अच्छा नहीं हो, शायद क्या मेरी आंखें जल रही है तो उसको भी लगेगा ही। तो ये देखो इधर है बेड और इधर है पूरा ये सामान, पीछे से दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बेड लगाया और ये जो वार्डरोब आपको दिख रहा है ना, ये मेरे रूम में भी एक आपको दिखेगा। और ये दो एक्चुअली हमारा पुराना था और ये ओनर ने बना के दिया था, तो कुछ कर नहीं सकते, उसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है। और ये रही मैं, तो ये रहा बेड, इसको मैं छोड़ दूंगी थोड़ा ताकि ये हो, इसका स्मेल निकले। इधर फैन चला दिया है और ये सारे सामान है जो अंदर जाने वाले वो कल मैं डालूंगी। ये देखो मिष्टी भी आ गई निकल जाओ बेटा, चोट लग जाएगी। अभी अभी वो न्यू है ना, उसका स्मेल ना आँख में जलेगा बेटा। आ जाओ प्लीज़, आ जाओ बाहर, मस्त तो लग रहा है, चलो आ जाओ। और ये रे हमारे भगवान जी इधर। तो ये हाल है कुछ घर का, मैट्रेस यहाँ पड़ा है बेड का, मिष्टी आ जाओ बाहर। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे, तो सबका हो गया है, मैं अब जा रही हूँ खाने। मैं पराठे सेजवान सॉस के साथ खाती हूँ और ग्रीन चटनी के साथ, तो कौन कौन खाता है इस तरह से बताना ज़रूर। मैंने पता है क्या, ये चौथी बार रिकॉर्ड करना शुरू किया, पता नहीं आज क्या इतना ब्लोपर हो रहा है ना कि क्या बताएं, आई विश कि ये वाला सही से हो जाए। तो चलो मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल देख लो, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हॉल वीडियो देखना पसंद करते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर न्यू व्यूअर हो तो, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो आने वाले हैं। तो चलो मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर।